the air place, and this one is MLX temperature sensor. Here it is ESP camera. We have to fix here like this, and this one too. This is the Arduino controller already included. Battery ready, buzzer, and Wi-Fi mode. स्टेप बाय स्टेप सांगितलं ना, हॉटस्पॉट क्रिएट करून आयओटी आयओटी सर्व्हर देखो, हॉटस्पॉट में जाके यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज करना है। यूज़र नेम रहेगा आईओटी सर्वर, पासवर्ड रहेगा आईओटी सर्वर 123। ये एक बार सेट कर लिया आप एक ही मोबाइल में, बस हो गया। उसके बाद जब भी आप ये प्रोजेक्ट चालू करोगे तो यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट का नाम लिख के आएगा, उसके बाद वेटिंग फॉर कनेक्शन लिख के आएगा। और ऑलरेडी आपने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑलरेडी ऑन करके रखा है तो ऑब्वियसली ये कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ अपने आप। नहीं नहीं नहीं, एक जिस मोबाइल में किया है वो तो उस मोबाइल में ऑलरेडी यूज़र ने पासवर्ड होके रहेगा ना वो। ठीक है, ये नेटवर्क स्कैनर ऐप से क्या होगा, जो अपन अपने पास जो हॉटस्पॉट क्रिएट होगा यहाँ से, वो उसको यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेगा उसका, जो आईपी एड्रेस की बात कर रहे थे अभी। यहाँ पे इसको सेंस करना पड़ेगा ना, तुम पर्सन हो, आईआर सेंसर जब सेंस होगा। ठीक है, मास्क नॉट वियर्ड यहाँ पे लिख के आता है। नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन होने के बाद रिसेट नहीं करना। हाँ, अभी जितने भी जब तक सेंसर एक्टिव नहीं करोगे आप, तब तक वो मतलब कोई पर्सन आके वो डिटेक्ट कर रहा है, ऐसा हो गया। हाँ, पहले कोई तो आओ ना। और कैमरे के सामने हाथ मत देखना, इसको सेंस करो, आयर सेंसर को सेंस करो ना। मास्क डिटेक्टेड, ठीक है, मास्क डिटेक्टेड यहाँ पे भी लिख के आया। ठीक है, और आईओटी वाला आईओटी नहीं, मोबाइल टेलनेट वाला, तो इसके लिए वाईफाई में जाना है। वाईफाई ओपन करो तुम्हारा, वो राइट साइड से नीचे हुआ। सेंस करा लो ना, अभी नॉर्मल हो ना, सेफ्टी भी होता है।